क्यों ना तुम इसे गिराकर देखो। मेरे छूने से पहले ये हिली कैसे? तुम्हारे नजरिए से तुमने बुलेट पकड़ ली, लेकिन बुलेट के नजरिए से गिरा दी। लेकिन एक्शन से पहले रिएक्शन कैसा? हमें टाइम ऐसे ही दिखाई देता है। तो मन मर्जी का क्या? तुमने हाथ वहां रखा इसलिए बुलेट वहां आई। कहीं से भी देख लो, तुम ही ने इसे करवाया है। समझने की कोशिश मत करो, महसूस करो। समझ गया। ओके। इतना अजीब क्यों लग रहा है? तुम बुलेट चला नहीं रहे हो, पकड़ रहे हो। ओ, ऐसी बुलेट मैंने पहले देखी हुई है। ड्यूटी के वक्त मुझे ऑलमोस्ट लगी थी। फिर तुम बहुत ही लकी थे। पलटी की हुई बुलेट तुम्हें लगती तो नतीजा गंभीर होता। गेम ओवर। ये इस जमाने की लगती है? शायद आज बने हो और सालों बाद पलटाया जा रहा है। तुम्हें कहाँ मिली? दीवार के साथ आए थे, उन बाकी सामान के साथ जिन्हें मुझे स्टडी करना था। ये किस मेटल के बने हैं पता है? हाँ, क्यों? इसके तत्वों के मिश्रण से पता चल जाएगा ये कहाँ बने हैं। मेरे ख्याल से ये कयामत तो नहीं ढाएगी। लगेगा नहीं, लेकिन बुलेट बहुत ही सिंपल चीज होती है। लेड की गोली, पीतल का कवच और बारूद। अगर वो इसे पलटा सकते हैं तो मुझे लगता है वो कुछ भी पलटा सकते हैं। परमाणु हथियार का असर तो सिर्फ हमारे फ्यूचर पर होगा, मगर एक पलटाया हुआ हथियार हमारे बीते कल का विनाश कर सकता है। अब जब हमें पता है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें और भी ऐसी पलटाई हुई चीजें मिल रही है, पेचीदा चीजों के अंश। तो तुम्हें क्या लगता है क्या है? आने वाले जंग की सुराग। अमनदेव दुनिया में रहते हैं। रात में दोस्त नहीं होते। सुना है तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है? मौत के बाद भी दोस्तों की जरूरत होती है। यानी कि मुंबई में मदद चाहिए, मुझे संजय सिंह से मिलना है। सिंह? वो तो अपने घर से बाहर नहीं निकलता और वो घर नहीं है, अकेला है। वो तो है, उसी को देख रहा हूँ। देखता हूँ कौन अवेलेबल है। बॉम्बे यॉट क्लब, 2 घंटों में। सुना है कि मुंबई के एक खास शख्स से जल्द से जल्द तुम्हारी मुलाकात करवानी है। आई एम नील। मैं जल्द से जल्द संजय सिंह से मिलना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, वहां से जिंदा निकलने का प्रॉब्लम है। किसी बच्चे को किडनैप करोगे या किसी औरत को? जरूरत पड़े तो ही। देखो, मैं यहाँ ज्यादा बवाल नहीं मचाना चाहता। Yes? बोथ का टॉनिक और एक डायट कोक। क्या हुआ? ड्यूटी के वक्त पीते नहीं हो? रिसर्च करके आए हो तुम? हमारे पेशे की ये खासियत है। वैसे मुझे सोडा पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी पैराशूटिंग कैसी है? ट्रेनिंग में मेरी हड्डी टूटी थी, लेकिन सिंह का घर इतना ऊंचा नहीं है कि पैराशूट की जरूरत पड़े। बंजी जंपर कर सकते हो? मुझे नहीं लगता बंजी जंपर जैसा कोई शब्द है। शब्द हो ना हो, पर ये इकलौता तरीका है बाहर निकलने का, शायद अंदर घुसने का भी।